नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। यूपी चुनाव को लेकर जहां राज्य की योगी सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त करने वाली छवि बनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता भरे मंच से महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर लड़कियों को शाम को बाहर नहीं निकलने की नसीहत दे रहे हैं। आज तक की खबर के मुताबिक उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने वाराणसी में एक कार्यक्रम में कहा कि महिलाएं शाम 5 बजे के बाद थाना न जाएं। महागठबंधन से कांग्रेस के अलग हो जाने के घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को जब उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो दो टूक अंदाज में उन्होंने कहा कि जाने वो लोग जो करना है करें, हमें ना इसमें कोई रुचि है और ना ही दिलचस्पी। वहीं मुख्यमंत्री ने जब लालू प्रसाद के बारे में यह उनसे पूछा गया कि वो उपचुनाव में प्रचार के लिए आ रहे हैं तो वो इस सवाल को टाल गए। अपने चुटीले अंदाज और शानदार टाइमिंग से कीकू शारदा सटीक जोक क्रैक करते हैं। वहीं शो के हालिया एपिसोड में कीकू ने फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत पर निशाना साधा है। शो में गेस्ट के तौर पर सोनू निगम, हरिहरन, शान समेत कई स्टार सेट पर पहुंचे थे। इस दौरान कीकू ने कंगना के पिछले बयानों को लेकर कई चुटीली बातें कही हैं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा पलटवार किया है। बिना नाम लिए उन्होंने कन्हैया कुमार पर निशाना साधा। शनिवार को अपने ट्विटर पर तेज प्रताप यादव ने लिखा कि जब से आए हो अक्कड़ बक्कड़ कुछ हो बोलते जा रहे हो, गैंग वाले थे या अपने तबने का शौक पाले हो क्या? याद रखो, अगर लालू यादव जी ना होते तो शायद तुम भी नहीं होते। बिहार के अन्य जिलों की तरह ही पश्चिमी चंपारण के बेतिया स्थित रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय में इंटरमीडिएट सेंटर की परीक्षा हुई। इसमें एक परीक्षार्थी ने शरारतन अपनी मां का नाम प्रियंका चोपड़ा और पिता का नाम सनी देओल रख दिया है। बता दें कि यह कॉपी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग इस पर खूब कॉमेंट कर रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं, दूसरों को फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। लगभग 14 साल बाद माचिस के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमत के बाद आज माचिस की कीमतें भी दोगुनी हो गई है। इसी बीच टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अगले महीने यानी 1 दिसंबर से माचिस के दाम 1 रुपये बढ़ जाएंगे। इसके बाद माचिस की कीमत दोगुनी यानी कि 2 रुपये हो जाएगी। ये फैसला ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ माचिस की तरफ से एक बैठक में ली गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को 3 दिवसीय यात्रा पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस दौरान वो केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते देखे गए। पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश की यह उनकी पहली यात्रा है और इस महीने कश्मीर में 11 नागरिकों की जान लेने के बाद उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक कंपनी में सिंघानियों को लाभकारी मालिक बताया गया तो वहीं दूसरी में वो शेयरधारक है। रेमंड लिमिटेड का करीब 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। रेमंड लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गौतम हरि सिंघानिया ने साल 2008 में ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड में 2 कंपनी अधिकृत की थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया है कि सभी कारोबारों के अच्छे प्रदर्शन के चलते चालू वित्त वर्ष 2021-22 की जुलाई सितंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 43% बढ़ गया है। कंपनी ने एक बयान में बताया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ एक साल पहले के 9,567 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 13,680 करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गोवा को विकास का नया मॉडल करार दिया है और राज्य सरकार की जमकर सराहना करते हुए राज्य में डबल इंजन के विकास की निरंतरता बनाए रखने का आह्वान किया। आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों एवं हितधारकों के साथ संवाद करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि कोविड-19 रोधी टीका कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर्यटन में वृद्धि होगी। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के प्रमुख डेविड मार्चिक ने भारत की अपनी यात्रा से पहले कहा है कि भारत टीके का पावर हाउस है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के निर्माण में भारत के साथ अमेरिका के काम करने से लोगों की जिंदगियां बच रही हैं। डीएफसी अमेरिका का विकास बैंक है जो दुनिया भर में विकासशील देशों में निवेश करता है। पश्चिम बंगाल में विजय पताका फहराने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गोवा के सियासी रण में जाने की तैयारी कर रही है। वो अगले हफ्ते 28 अक्टूबर को गोवा दौरे पर जाएंगी। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। चीन ने बच्चों पर दबाव कम करने के लिए अपने यहाँ शिक्षा से संबंधित एक नया कानून पारित किया है जो सीधे तौर पर पढ़ाई को लेकर बच्चों के दबाव को कम करेगा। बच्चों पर होमवर्क और ऑफ साइट ट्यूशन का डबल काफी प्रेशर देखा गया है जिसके बाद सरकार ने बच्चों को इससे राहत देने की कोशिश की है। टीवी टुडे से बात करते हुए गांगुली ने नए कोच को लेकर कई बातों का खुलासा किया है जिसके तहत उन्होंने कहा कि देखिए अभी ऐसा कुछ भी पुष्टि तो नहीं की गई है, मैं भी अखबार में पढ़ता रहता हूं, अब तक ऐसा कुछ भी पक्का नहीं हुआ है। इन सब चीजों को लेकर एक प्रक्रिया का पालन करना होता है, विज्ञापन किया जाएगा और इसकी पूरी प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भारत के खिलाफ होने वाले मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मैच में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी है। आमिर ने कहा है कि 60% चांस है कि भारत ये मैच जीतेगा, वहीं पाकिस्तान के जीतने का केवल 40% ही चांस है। भारत और पाकिस्तान 24 यानी कि रविवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भिड़ने वाले हैं। कई मौकों पर पार्टी लाइन से अलग राय रखने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर किसानों के मुद्दों को लेकर अपनी सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान समोध सिंह पिछले 15 दिनों से अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में मारे मारे फिर रहे थे। जब धान बिका नहीं तो निराश होकर इसमें स्वयं आग लगा दी। इस व्यवस्था ने किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। कृषि नीति पर पुनर्चिंतन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। दिल्ली में शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अधिकतम न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 डिग्री और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है। वहीं आर्द्रता 92% आंकी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 रोधी टीका बनाने वाली 7 भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलते देखे गए। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत ने अपने नागरिकों को टीके की 100 करोड़ खुराक देने की उपलब्धि हासिल कर ली है। टॉलीवुड सुपरस्टार प्रभास आज अपना 42वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर साउथ से लेकर बॉलीवुड सितारे तक बाहुबली स्टार को जन्मदिन की बधाइयां भेज रहे हैं। साथ ही फैंस भी अपने फेवरेट एक्टर को बर्थडे विशेष भेजने का काम कर रहे हैं। वहीं इस खास दिन पर राधे श्याम के मेकर्स ने फैंस को बड़ा तोहफा दिया है और टीजर को जारी कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम ने सूर्यकुमार यादव की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो टीम इंडिया के सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बता दें कि सूर्यकुमार पिछले कुछ सालों से आईपीएल में लगातार रनों का अंबार लगा रहे हैं। बिहार में कांग्रेस और राजद के गठबंधन के टूटने के बाद कांग्रेस में शामिल होकर पहली बार बिहार आए कन्हैया कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। कन्हैया ने कहा कि कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं मगर लठैत की भाषा बोलते हैं। इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि जो भाजपा से लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस के साथ जरूर होंगे। टाटा स्टील के कर्मचारी पर एक निश्चित अवधि तक कंपनी में सेवा देने के बाद नौकरी अपनी संतानों और आश्रितों को भी ट्रांसफर करने का खास विकल्प दिया गया है। इसके लिए कंपनी जॉब फॉर जॉब स्कीम ला रही है। कंपनी समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने को आकर्षक लाभ प्रदान करने की स्कीम ESS भी लॉन्च कर रही है। देश में जैसे जैसे कोरोना के केस कम हो रहे हैं वैसे वैसे आम जन से जुड़ी सुविधाएं बढ़ रही हैं। भारतीय रेलवे ने भी यही किया है। ताजा खबर है कि भारतीय रेलवे ने 18 महीने बाद केटरिंग से जुड़ी सेवाएं बहाल करने की तैयारी शुरू कर दी है, यानी जल्द ही यात्रियों को ट्रेन में खाना उपलब्ध हो सकेगा। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में शनिवार को ताजा बर्फबारी हुई, जबकि केंद्र शासित प्रदेश के मैदानी इलाके में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि मैदानी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश जारी है, जबकि सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, ऊंचाई वाले अन्य स्थानों पर बर्फबारी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार से 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया और फिर दोनों शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात की और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। दिल्ली में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम की श्रेणी में दर्ज किया गया है। हालांकि तेज हवाओं और बारिश के कारण आने वाले 2 दिनों में वायु गुणवत्ता में सुधार होने की और उम्मीद है, अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की मौसम पूर्वानुमान इकाई सफर के मुताबिक दिल्ली का AQI 162 दर्ज किया गया है, जो कि मध्यम की श्रेणी में आता है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि केंद्र सरकार को उम्मीद है कि कोविड-19 संकट से उबरने के बाद भारतीय विमानन कंपनियां कई और चौड़े विमान खरीदेंगी और पट्टे पर लेंगी। इस समय सिर्फ 2 भारतीय विमानन कंपनियां एयर इंडिया और विस्तार के पास बड़े ईंधन टैंक वाले चौड़े विमान हैं, जिसके जरिए वो भारत अमेरिका जैसे लंबी दूरी के मार्गों की उड़ान संचालित कर सकते हैं। सरहद पर फिक्र सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का दोस्त चीन भी बॉर्डर पर साजिश रचने से बाज नहीं आता है। लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरह ही उसके सदाबहार दोस्त चीन को भी सरहद पर नाकोचने दबाने पर मजबूर कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत के कड़े रुख, जबरदस्त तैयारी और तैनाती के चलते चीन एक बार फिर बातचीत की टेबल पर आने को राजी हो गया है। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 37,141 मामले सामने आए हैं, जबकि 1,064 लोगों की जान चली गई है। रूस में महामारी से एक दिन में जान गंवाने वालों की संख्या का ये नया रिकॉर्ड है। इससे पहले रूस में महामारी से बुधवार को 1,028 और गुरुवार को 1,036 लोगों की जान गई थी। मिली जानकारी के अनुसार नए वेरियंट के कारण मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 666 मरीजों की जान गंवाने से जान गंवाने वालों की संख्या 4,53,708 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 1,73,728 हो गई है, जो 233 दिनों में सबसे कम है। वहीं
वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 16,326 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, हेमंत हमेशा, अनिल कुमार, राजकुमार, राहुल कुमार, मनोज पासवान, अरविंद कुमार, अरहम एहसन, सन्नी कुमार, वीरेंद्र मंडल, हसन नेटवर्क, भगवान मिश्रा, कृष्ण दुबे, कमलकांत कुमार, अखिलेश यादव, नीरज कुमार, सौरभ कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के वर्तमान माहौल को देखते हुए क्या आपके आसपास अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।